बहुत से लोगों ने आपसे कहा होगा कि इंडिया की सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है, एंशिएंट है। भारतीय सभ्यता, इंडियन कल्चर एक्चुअली तब से लेकर अब तक उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज को आज भी मानता है। काशी में यही सिविलाइजेशन लिंक्स मानो सचमुच दिखाई पड़ते हैं, पर आखिर क्या है जो किसी भी पुरानी सिविलाइजेशन की एक अहम पहचान होती है, मैं बताती हूँ। ऐसे लिंक्स जो कि मल्टीपल कंट्रीज में देखे जा सकते हैं आज भी, ऐसे लिंक्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की परवाह किए बिना आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे लिंक्स जो दूसरी सिविलाइजेशन से भी हों और हजारों साल बाद भी नजर आएं। शायद इसीलिए पीएम मोदी के लिए सिर्फ फॉरेन लीडर्स मिलना मात्र ही इनफ नहीं होता, बल्कि उनकी हमेशा ही कोशिश होती है कि जितना हो सके पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा मिले, और इन्हीं एक्सचेंजेस, इन्हीं लिंक्स की वजह से आज इंडिया की बहुत सी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है। ऐसे ही एक पार्टनरशिप का एक नतीजा है वाराणसी का रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर। आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही जुलाई में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष सेंटर का इनॉग्रेशन किया था, और इस सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल जहां 1200 लोगों को एकोमोडेट करने की जगह है वो तो आपको पता ही होगा, पर मैं बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप जानते हैं कि रुद्राक्ष सेंटर जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के कॉर्पोरेशन से बना है, और ये तो आपको पता ही होगा कि पीएम मोदी ने जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे को काशी में ही गंगा आरती में शामिल किया था। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि काशी के उस घाट पर इतनी भव्य आरती देखकर पीएम शिंजो एबे मंत्रमुग्ध से हो गए थे। फिर जैसे ही पीएम मोदी ने उनसे रुद्राक्ष सेंटर की बात करी थी, तब शिंजो एबे ने तुरंत ही अपनी टीम्स को इस सेंटर के लिए एक प्लान तैयार करने को कह दिया था, और आज देखिए शिवलिंग के रूप में ये भव्य सेंटर इंडिया और जापान की गहरी दोस्ती के एक टेस्टमेंट से कम नहीं है। और साथ साथ जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर योशीहिदे सुगा ने ये भी कहा था कि इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर का इतनी स्पेशल सिटी में होना तो बहुत ही अद्भुत बात है। और फिर चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, पीएनजी हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रुद्राक्ष सेंटर, टूरिज्म और कल्चरल डेवलपमेंट पीएम मोदी की प्रायोरिटी है। इस बात पर वाराणसी, यहाँ आने वाले लोग या पूरे भारत, सबका विश्वास है। अब सोचिए काशी के लोगों के लिए रुद्राक्ष सेंटर का बनना कितनी गर्व की बात होगी। जब 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में हुआ तब ऑब्वियस है कि वहां की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला, और कुंभ तो है ही। अब अगर किसी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर एप्रोप्रिएट ना हो तो क्या आप वहां जाएंगे? यही चीज पीएम मोदी हमेशा से ही समझते हैं, चाहे कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाते। अभी नवरात्रि शुरू ही होने वाले हैं, पूरे भारत में सेलिब्रेशंस होंगे, पर गुजरात में जिस हिसाब से सेलिब्रेशंस होते हैं उसके लिए एक ही वर्ड है, नेक्स्ट लेवल। पर ऐसा हमेशा ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन था। सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं, उनके विजन के अनुसार बड़े बड़े फूड कोर्ट्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स और प्रॉपर ग्राउंड्स, साउंड एंड लाइट सिस्टम्स नवरात्रों के समय एक आम बात हो गई है, और इसका फायदा सिर्फ टूरिस्ट को ही नहीं बल्कि लोकल लोगों को भी मिला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, वेल्थ क्रिएशन हुआ, और सिर्फ एक से नहीं बल्कि सबके प्रयास से। इसी तरह इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को ही ले लीजिए। उत्तरायण पर पतंग तो गुजरात में हमेशा उड़ती ही थी, लेकिन इस फिनोमेनन को इंटरनेशनल बनाने में उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, और इस फेस्टिवल को स्केल अप करने से टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिला तो बहुत ऑब्वियस बात है। हजारों टूरिस्ट के आने से काइट फेस्टिवल के साथ साथ वाइब्रेंट गुजरात समिट के होने से भी वहां की इकोनॉमी बढ़ी। पर गुजरात की काइट इंडस्ट्री, जहां 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे, वो सालाना सिर्फ 30 से 35 करोड़ का बिजनेस कर पाती थी। पर जैसे ही सीएम मोदी ने डेवलपमेंट का जिम्मा लिया, काइट इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़कर सालाना 400 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। समझे आप, सिर्फ एक सेक्टर का नहीं, सबका विकास,
और सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं अब बताती हूँ। 2001 के बाद गुजरात के कच्छ में तबाही के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, पर ये बात सीएम मोदी को मंजूर नहीं थी। उन्होंने इस रीजन का डेवलपमेंट इसी रीजन की स्ट्रेंथ के साथ प्लान किया। आत्मनिर्भरता कोई आज का आइडिया नहीं है, मोदी जी की ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच है। अगर बर्ड्स आई व्यू से कच्छ को देखेंगे तो सिर्फ एक्सट्रीम वेदर, बैरन लैंडस्केप दिखेगा, पर ये शायद मोदी जी ने एम्प्टी कैनवस की तरह देखा। एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू और कंप्लीट होने लगे। उस रीजन की हैंडीक्राफ्ट उस समय शायद कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी न क्वालिफाई करते हों, पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू उस इंडस्ट्री का साइज और वहां काम करने वाले लोगों के नंबर्स भी बढ़ने लगे। याद है आपको खुशबू गुजरात की जो मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया था? कच्छ के वाइब्रेंट कलर्स, क्लियर स्काइज और नेवर एंडिंग लैंडस्केप देखकर मन करता था कि बस टीवी में घुस के सीधा वहीं चले जाएं। और जैसे ही लोग आए वैसे ही वेल्थ जनरेशन भी शुरू हो गया। 2001 में जहां तबाही थी, वहीं ठीक उसी जगह 2016 से 17 में हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री का साइज 240 करोड़ से भी ज्यादा था। ऐसा ही है ये मोदी मॉडल, चाहे कच्छ हो या उससे भी कोई रिमोट एरिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबका साथ ना हो। तो समझे, यही तो मोदी मॉडल है। टूरिज्म हो या गुजरात हो या सारा भारतवर्ष, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।